वेलकम, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज न्यूज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। जैसा कि आपको बताते चले कि क्रिश में प्रियंका चोपड़ा जोनस और ऋतिक रोशन के बीच जो रोमांस नजर आया वह काफी अच्छी तरह दिखाया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में लीड रोल के लिए अमृता राव को चुना गया था, बाद में जिन्हें प्रियंका ने रिप्लेस किया। जी हाँ, इस बात का खुलासा खुद अमृता राव ने किया है। दरअसल अमृता ने कहा कि ऋतिक और मैंने एक फोटो शूट किया था, उस दौरान हम दोनों की केमिस्ट्री मिसिंग थी। मैं उनके सामने बहुत यंग नजर आ रही थी, मेरे अंदर उस फिल्म को छोड़ने को लेकर कोई बुरी भावना नहीं थी, बस मैं यह जानती हूँ कि आपकी डेस्टिनी लिखी होती है। बता दें कि अमृता राव ऑन स्क्रीन इस सुपर हीरो के संग रोमांस करना जरूर मिस कर गई हूँ, लेकिन इंडस्ट्री में मैं हूं ना में संजना बख्शी और फिल्म विवाह में पूनम का किरदार बहुत पसंद किया गया था। हालांकि राकेश रोशन इस समय फिल्म क्रिश 4 बनाने की प्लानिंग में लगे थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण प्रोजेक्ट बीच में ही रुक गया। ऐसे में आप लोग इस फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।